ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है और अभी अभी जस्ट फ्रैंकलिन ने माइकल को कॉल किया था। सोया था माइकल साहब कि फ्रैंकलिन बता रहा कि लेस्टर अपने घर पे नहीं है और वो चोरी वाली गाड़ी भी वहाँ पे नहीं है। तो लेस्टर के लिए फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा परेशान है। वो माइकल को कॉल करके घर के बाहर आने को बोला है क्योंकि वो गाड़ी लेके आया है और जाके चेक करना है कि लेस्टर गया तो गया कहाँ और उसके साथ वो चोरी वाली गाड़ी कहाँ गई। जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई गाइस, इसलिए फ्रैंकलिन कॉल किया। हमारी गाड़ी यहाँ पे सेफ है, कोई बात नहीं गाइस, हमारी गाड़ी तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन लेस्टर और उसकी चोरी वाली गाड़ी जो फ्रैंकलिन ने चोरी की थी अगले वीडियो पे, वो सेफ नहीं है। हम लोग फटाफट से कॉल करते हैं फ्रैंकलिन को और पता करते हैं कि वो कहाँ पे पहुँचा है। ऑलराइट गाइस, फ्रैंकलिन से बात हो गई, फ्रैंकलिन बाहर आ रहा है हम लोग को लेने, तो वेट करते हैं। ओके तो गाइस, फ्रैंकलिन आ चुका है और कोई तो एक्सयूवी लेके आया है किसी के चोरी करके, पता नहीं क्या सीन है। और एक गाड़ी इसको चलाने नहीं दे रहा माइकल को। अरे भाई भाई भाई, ओके तो गाइस, हम लोग फ्रैंकलिन को गाड़ी ड्राइव करने नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर है। हम लोग चलाएंगे गाड़ी, चलते फटाफट से लेस्टर के घर पे। अब देखते हैं लेस्टर वहाँ पे है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर वो कहाँ गया है आसपास पता करेंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या हो रहा है। चलते हैं लेस्टर के घर के बाहर। ओ भाई साहब, किसकी गाड़ी चोरी करके ना। ओके तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेस्टर के घर पे, अब जाके देखते हैं लेस्टर है या नहीं और कचरा किसने फेंका भाई। ओके तो यहाँ पे लेस्टर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को, और इसका यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब ऑन है। और वो भाई साहब, लेस्टर तो घर पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप है भाई। अब इसके पास दो पीसी है, शायद गेमिंग वेमिंग करता है लेस्टर अपना। इस साइड पे एक दरवाजा है जो कि बाथरूम है, तो बाहर से बंद है, यहाँ पे तो है ही नहीं। फ्रैंकलिन सही बोल रहा है कि लेस्टर गायब है। हम लोग को पता करना है कि लेस्टर है कहाँ, और लेस्टर के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसके कितने दोस्त हैं और कितने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड रहता है। पुलिस को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि लेस्टर भी इलीगल काम पर आता है, छोटे मोटे अपने साथ में रहने वाले इंसानों को सपोर्ट करता है और उनकी हेल्प करता है, इसलिए वो बहुत प्राइवेट रहता है। तो फटाफट चलते हैं एक लोकेशन पे, और फ्रैंकलिन बता रहा है कि उसका एक लेस्टर का एक खास दोस्त है जो कि लेस्टर के बारे में शायद बता सकता है। वो यहाँ से नहीं है, वो लंदन से है, और उसके बारे में पता करते हैं कि कहाँ है, क्या सीन है, लेस्टर कहाँ पे है। चलते हैं कहीं साइड पे और रुकते हैं गाड़ी, कॉल करके देखते हैं कि वो बता पाता है कि नहीं बंदा कहाँ है अपना लेस्टर। ओके तो गाइस, यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं फ्रैंकलिन के दिए हुए नंबर पे, और उस बंदे का नाम फ्रैंकलिन ट्रेवर बता रहा है। ऑलराइट गाइस, ट्रेवर से बात हो चुकी है और वो बता रहा है कि लेस्टर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। जोकर के गुंडे उसको ले गए हैं और साथ में उस गाड़ी को भी ले गए हैं, और लेस्टर के ऊपर ही ब्लेम किया जा रहा है कि वही चोरी किया है। तो हम लोग चलेंगे उसके पास और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेवर लंदन से यहाँ लॉस सैंटोस आ रहा है, तो उसको लेने भी जाना है अपने को। पता नहीं क्या बता रहा है वो, चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट क्योंकि वो आने ही वाला है। वो भाई साहब, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके तो गाइस, हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, पता नहीं इसमें से ड्राइवर कौन है क्योंकि हमने उससे पहले कभी नहीं देखा उसे। तो फटाफट से देखते हैं कि कौन है भाई साहब ड्राइवर। ओ भाई साहब, गाड़ी कभी ठोक दी थी मुझे। ओके तो ड्राइवर भाई साहब, आप कहाँ हो? यहाँ पे बंदे लोग बातचीत खुद कर रहे हैं, बट ड्राइवर अपना दिखाई दे रहा कहीं पे, और फ्रैंकलिन तो उसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ही उनसे देखा। और देखते हैं यहाँ पे कौन ये बंदा कॉल पे बात कर रहा है, मुझे लग रहा है ड्राइवर है। और भाई साहब, ड्राइवर हो क्या? ओ भाई भाई, ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ड्राइवर आ चुका है और ड्राइवर को हम लोग को होटल छोड़ना है, और वो हमको लेस्टर जहाँ पे है उसका लोकेशन दे दिया है। फटाफट चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले ड्राइवर को हमको होटल छोड़ना है। तो फटाफट से बैठ भाई फ्रैंकलिन, फटाफट।
ओके तो गाइज हम लोग होटल के पास आ चुके हैं और फ्रैंकलिन यहीं पे स्टे करने वाला है क्योंकि उसका घर यहाँ पे है नहीं कहीं पे, और वो हम लोग को घर देखा नहीं है। तो हम लोग को अभी यहाँ से लेस्टर को बचाने जाना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं ड्राइवर भाई साहब को कि अपना होटल में रुके आराम से, हम अपने लोग लेस्टर को लेके आते हैं होटल में रुके अपना आराम से और हम लोग लेस्टर को लेने चलते हैं। ओके तो भाई ड्राइवर यहाँ से चला जाएगा, फ्रैंकलिन और हम दोनों चले जाएंगे लेस्टर को बचाने, या फिर बात जैसा मैटर होता है वहाँ पे उस हिसाब से डील करेंगे। हमने घर वन कुछ नहीं रखा है, आर्मर बस है अपने पास, तो चलते हैं फटाफट से। और ये भाई साहब नहीं नहीं हमको लेस्टर को बचाना है इसलिए फटाफट से हम लोग चलेंगे लेस्टर को लोकेशन पे, अपने गोल से नहीं हटेंगे। ये बगल से हम लोग पहुँचने वाले हैं ड्राइवर को दिए हुए लोकेशन पे और यहीं पे हमको लेस्टर मिल सकता है, शायद उसे किडनैप किया गया है। हम लोग जाकर पहले बात करेंगे उनसे कि क्या सीन है वहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ करेंगे क्योंकि हमारे पास गन वगैरह कुछ है नहीं और कुछ गलत सीन हो जाएगा, तो पहले हम लोग बात करने के उसमें चले जाएंगे। ओके तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे तो भाई साहब कितने सारे सिक्योरिटी है, इसकी हेल्थ सिक्योरिटी। ओ भाई साहब नहीं पानी में क्या कर रहा, मेरा खतरनाक है भाई ये तो। चलते हैं भाई इसके बॉस से बात। ओ भाई साहब यहाँ पे लेस्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका है और इसे डराया गया है और इससे सारी बातें बुलवाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे लेस्टर साहब बताया नहीं है। तो चलते हैं इसके बॉस से बात करते हैं अपन लोग। ओके तो गाइस बॉस ने यहाँ पर फ्रैंकलिन को पहचान लिया है कि यही चोरी किया था गाड़ी बोल के, और फ्रैंकलिन को भी घुटने पे ला दिया और माइकल को भी बोल दिया कि हिलने की कोशिश नहीं यहाँ से क्योंकि इसके बॉस आ रहे हैं और बॉस के आने तक कोई अल्ला गुल्ला यहाँ पर नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है। तो अब बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीन हो गया है क्योंकि माइकल फ्रैंकलिन और गाइस ये क्या ड्राइवर आ चुका है हम पर बचाने, भाई साहब बहुत गंदा सीन होगा ड्राइवर यहाँ पर हम होते अभी सीन क्रिएट कर दिया अगर अभी साइड में होते हैं तो यहाँ पर फैमिली और किचन दोनों को ही हमारे साथ में हैं और यहाँ पर ड्राइवर हम लोग को बोल रहा है कि फटाफट से बाहर जाओ क्योंकि यहाँ पर गंदा सीन होने वाला है, वो मगे आ रहा फटाफट पैसा बोल दिया है। तो भाई साहब आओ भाई फटाफट बाहर आओ, गाड़ी में चलते ही निकलना है। ओ भाई साहब ये क्या चलते फटाफट से गाड़ी में, क्योंकि अपना बहुत गंदा सीन हो गया, अपना ट्रेवर में निकल के आ चुका है, चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। क्योंकि फटाफट से बैठ भाई लगता है यहाँ पर बहुत गंदा सीन हो गया है, वो आप गंदे करके पड़े हैं। ओ भाई साहब फायरिंग हो रहा, फटाफट से चलते हैं भाई बैठ जाए यार। ओके तो गाइस हम लोग वहाँ से तीनों निकल गए, उसके बॉस के आने से पहले ड्राइवर आ गया और फायरिंग वगैरह करके अपने को बचा लिया है और अपन लोग चलते हैं फटाफट से लेस्टर के घर, क्योंकि लेस्टर का घर एक अंडरग्राउंड एरिया है और यहाँ से लेस्टर को नहीं उठाया गया था, लेस्टर को उठाया गया था मेन रोड से क्योंकि लेस्टर बाइक का मॉडिफिकेशन कराने गया था और वहाँ से उसको उठा लिया गया था। ओके तो गाइस लेस्टर के घर आ चुके हैं अपन लोग, चलते हैं अंदर फटाफट क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ओके तो गाइस लेस्टर हमें बोल रहा कि ड्राइवर और लेस्टर दोनों यहीं रुकेंगे, अब आप दोनों अपने घर जाओ बिल्कुल सेफ्टी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। लेस्टर जो है वो अपना मैटर निपटारा जानता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो फटाफट से चलते हैं घर अपने। लेकिन उससे पहले आप लोग फ्रैंकलिन के घर जाना है क्योंकि फ्रैंकलिन को छोड़ना है, वो गाड़ी लेके आया पता है किसकी चोरी की गाड़ी है ये, और कोई शरीफ बंदा लग रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, चलते हैं फटाफट से फ्रैंकलिन के घर। ओके तो गाइस हम लोग फ्रैंकलिन के घर के पास आ चुके हैं, और कौन सा घर है भाई फ्रैंकलिन का, अच्छा ये वाला घर है
ओके तो आप फैंड्रिन के घर के अंदर जाएंगे और फैंड्रिन को यहाँ पर छोड़ दोगे, चुपचाप कुछ बताएंगे नहीं, कुछ सिस्टम क्या है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहने को बोलेंगे। फैंड्रिन जो है सुबह बहुत ज़्यादा डर जाता है लेस्टर जब गायब हुआ तो, लेकिन अभी लेस्टर आ गया घर तो अपना सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैंकलिन को यहीं छोड़ते हैं घर पे, और इसका घर तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड है इसका भी घर, बहुत ही बड़ा घर है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन को छोड़ देते हैं आप लोग और चलते हैं अपने घर। ऑलराइट गाइस, तो फ्रैंकलिन कहीं कॉल पे बात करने लगा है, उससे बात हो चुका है और वो अपने घर पे रहेगा और अपन लोग चलते हैं अपने घर। और बारिश तो भाई साहब अभी तक हो ही रही है। तो भाई साहब फ्रैंकलिन ने बोला है कि गाड़ी यहीं पर रहने देना, आप टैक्सी करके चले जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अभी ख़राब चल रहा है, गाड़ी को भी फ्रैंकलिन को निपटाया था, फटाफट से टैक्सी बुक करते हैं। No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Great. ओके, तो गाइस टैक्सी हमारी आ चुकी है और चल हमारी यहाँ लेके चलूँगा तुम नियर घर में चलो अपने। ओके तो गाइस हमारी टैक्सी चल चुकी है और बहुत ही ज़्यादा स्लो है भाई, फटाफट से घर चलते हैं। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, चलते हैं अंदर फटाफट से। माइकल को कि भीग गया है और एड्रेस वगैरह ख़राब ना हो जाए, इस वजह से फटाफट से चलते हैं अंदर और कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लेते हैं भाई। ओके तो गाइस कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं, अब निक कुछ ऐसा है टी शर्ट वगैरह। बस सोते हैं थोड़ी देर, आराम करते हैं, टेंशन फ्री होके। ओके तो बस मॉर्निंग सुबह हो चुकी है और अभी जस्ट ड्राइवर का कॉल आया था और लेस्टर भी कॉल पे ही था। लेस्टर ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशन दिया है अपने को, क्योंकि लेस्टर को चाहिए बदला, क्योंकि लेस्टर को वो लोग उठा के ले गया था और अभी तक बारिश हो रही है भाई साहब। चलते हैं अंदर, थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश को रुकने का। ओके तो बस बारिश रुक चुकी है और ड्राइवर भी निकल चुका है वहाँ से और आ ही रहा होगा, चलते हैं बाहर फटाफट से। और अपन लोग ने गन वगैरह तो लिया नहीं है, ड्राइवर गन वगैरह सब ले लिया है, आर्मर अपने पास है, वेट करते हैं ड्राइवर का। ओके तो गाइस ड्राइवर आ चुका है, पता नहीं कौन सी गाड़ी चोरी करके लाया है, कोई तो कपल कार है जैसे लग रहा है। और चलते हैं अंदर, ड्राइवर देख सकते हो आप लोग AK-47 लेके आए हैं और गाड़ी में बहुत सारा गन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे लेस्टर ने हमें मिशन दिया है और मिशन में एक गाड़ी है जो कि है बहुत ही सुपर फास्ट टाइप गाड़ी है, सुपर फास्ट टाइप गाड़ी तो नहीं बोलेंगे बट जो लेस्टर को किडनैप किया था उसका बहुत ही ज़्यादा खास गाड़ी है, तो उस खास गाड़ी को हम अपन लोग चुराएंगे और उसको एक झटका देंगे कि उसने बहुत ही गलत बंदे को किडनैप किया था। वो कह तो गाड़ी अपन लोग आ चुके हैं उस जगह पे, इसी फिल्म सिटी के अंदर है वो बंदा, तो उसकी गाड़ी बाहर है और बंदे भी शायद बाहर है, तो हम लोग गन निकाल लेते हैं। तो भाई साहब वहाँ पर फायरिंग होने लगी है, तब बंदे ने अपन लोग को देख लिया और ट्रेवर भाई साहब भी अपना गन लेके रेडी हो चुका है और फायरिंग टाइप पूजा कर रहा है, फायरिंग हो रहा है, ट्रेवर भी अपना मार रहा है बंदे लोग। पता नहीं कितने बंदे हैं वहाँ पर, दो तीन ही दिख रहे हैं, तब तो सबको निपटाते हैं। तो भाई साहब यहीं पर एक बंदा है, मार दिया सब दो चार बंदे आपके। ओ भाई साहब बड़ा ही सीन हो गया भाई, मैं क्योंकि अपन लोग के पास हेलमेट वगैरह नहीं है, भाई सब खड़े करने बाहर रहा था। चल तेरी सो भाई साहब, तुम्हारे नहीं उस पोजिशन में ऑलरेडी गोली लगे। ओ भाई साहब उधर और भी बंदे हैं और अपने से ही फायर हो रहा हो, यही बंदा दिख रहा है अपने यहाँ पर। और ड्राइवर भी भाई साहब लोड थे, चार्जर बन गया वो भाई साहब, बंदे तो आ ही जा रहे हैं, फटाफट से बैकअप लेना पड़ेगा कवर से जाकर। तो आप पाँच छः बंदे एक साथ आ गए और सबके पास आर्मर है, जहाँ तक वो फाइट लगभग बराबर की है अभी यहाँ पर। ड्राइवर ने कवर में तुम्हारा भाई साहब यहाँ पर 12 बंदे एक साथ तो फायरिंग की जा रहा है भाई, उसे मुझ से मानना पड़ेगा जहाँ पर जैसे ऐसे डाउट कर दिया भाई जंगा पर ड्राइवर भी बहुत जंगा मार रहा है और अपने जो रोल है कि बाहर में सबको निकालना है फटाफट से। ओ भाई साहब
थी। तो भाई जहाँ तक मैंने सबको मार दिया और ड्राइवर भाई साहब ने भी सबको मार दिया, जो बचा कुचा हुआ गिरा पड़ा उसको भी निपटाया जा रहा। जहाँ तक हमने सारे बंदे यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, तो यहाँ पे एक साथ अपन लोगों ने 12 बंदे मारे हैं करीब। वो भाई साहब दो बंदे और दिख रहे हैं मुझे। ओके तो एक को डाउन किया अपन ने, एक बंदा तो भाई नोट कर रहा था। नहीं नहीं गाइस, वो बंदा डाउन नहीं हुआ है, वो गेट से कवर लेके फायर कर रहा है अपने को और अपने गन दे रिलोड पे। यही बंदा जो कवर लेके बाहर है। ओके तो गाइस उसको बुलेट लगी है, बड़े जोर की लगी है भाई साहब, और अभी तक ये शायद जिंदा है। इसको तो तेरी ओके तो जहाँ तक अपने सबको मार दिया है ऐसा लग रहा मुझे। और यही वो गाड़ी है जो भाई लेस्टर ने हमें चोरी करके लाने को बोला है। पता नहीं कैसी गाड़ी, वाइट कलर की, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, कुछ मैकलरन टाइप तो लग रहा है मुझे। बट अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि देखना आसपास कोई बंदे भी नहीं होते हैं, फटाफट चलते गाड़ी के अंदर और ड्राइवर को बैठाते हैं और निकलते हैं लेस्टर के घर। ओ भाई सब गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घूम जा रही भाई, कंट्रोल तो बहुत सही है इसका। ड्राइवर को बैठाते हैं और निकलते हैं लेस्टर के सीक्रेट हाउस की। और अपना मिशन सक्सेसफुल हो चुका है जहाँ तक, और अभी कोई सामने प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो बंदा अंदर है और अंदर कुछ ही फिल्म सिटी के अंदर साउंड वगैरह नहीं आता ब्लड फायरिंग की, वो बंदा बाहर नहीं निकला। तो गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लग रहा भाई साहब, नीच पिच बहुत ज़बरदस्त है इसका। लगता है बस गाड़ी अपने को ले जाना, सेफ पहुँचे ना पहुँचे सब रिपेयरिंग वगैरह लेस्टर करा लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ी गिर उड़ जाती है, ठिक जाती है, तो भाई इस गाड़ी की आपको टॉप स्पीड दिखाता हूँ कितनी है। ओके तो गाइस इस रोड में अपन लोग टॉप स्पीड चेक कर सकते हैं यहाँ तक। लेट गो गाइस, देखते हैं क्या इसकी स्पीड टॉप। ओके तो गाइस 200 क्रॉस करने वाले हैं, पर 200 क्रॉस हो गया है, बट ये अपनी लैम्बोर्गिनी का टक्कर नहीं दे पा रही गाइस। वो इतनी खास गाड़ी है स्पीड के मुताबिक, लेकिन लुक बहुत ज़बरदस्त था, वाइट कलर की है, कलर वगैरह सब नेक्स्ट बाद में चेंज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसका इस गाड़ी को चुराने का मतलब यह था कि अपने को बदला चाहिए था। ओके तो गाइस अपन लोग लेस्टर के घर के पास आ चुके हैं, चलते हैं लेस्टर को सरप्राइज देते हैं कि अपन लोग ने मिशन सक्सेसफुल कर दिया है और लेस्टर बाहर ही खड़ा है। ओके तो लेस्टर आ रहा है देखने गाड़ी कि वही गाड़ी चोरी की है अपन लोग की नहीं, और लेस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है कि गाड़ी अपन लोग ने चोरी कर लिया, लेकिन अपन लोग को चलना है घर। और लेस्टर बोल रहा कि गाड़ी लेकर चले जाओ, बट अपन लोग इसकी गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि अपन लोग को टेंशन नहीं चाहिए, अपन लोग टैक्सी बुक करेंगे और टैक्सी से जाएंगे। ये लोग तो हमें बोल रहे हैं कि गाड़ी लेके चले जाओ, दूसरे दिन अपन लोग के पास आके पहुँचा देना, बट अपन लोग को टेंशन नहीं चाहिए इसलिए अपन लोग टैक्सी ले लेते हैं गाइस, और टैक्सी लेकर फटाफट से घर चले जाएंगे, तो दिक्कत नहीं है। लेस्टर भी खुश, मिशन भी सक्सेसफुल। और भाई साहब गाड़ी वाला पूछ रहा कहाँ चलना है, भाई चलना वही है अपने घर, तो फटाफट से चल रहा है भाई, स्पीड थोड़ा स्पीड चला लो भाई। ओके तो गाइस अपन लोग अपने घर आ चुके हैं, और चलते हैं घर के अंदर कि देखते हैं कुछ घर में। जब भी माइकल घर पर आता है तो कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, तो फटाफट से अंदर जाकर देखते हैं कि इस बार को कोई कांड नहीं हुआ है। ओह फैमिली आई एम होम। ओ भाई साहब यहाँ पे सॉल्व तो आ रहा है, ऐसी जाओ शायद बाथरूम में हो। ओ भाई भाई नमी कर रहा चाहिए। और ये हो रही है भाई साहब यहाँ पे PS फोन में गेम खेलना, पता नहीं कौन से गेम खेलना भाई, ये खा खा के मोटा हुए पड़ा है और गेम खेलते पड़ा रहता है बस। ये बात नहीं गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं सेफ्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना गाइस, क्योंकि हम लोग भी नए यूट्यूबर हैं, हम लोग को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए एक्सेल के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।